मधुबनी में जिला स्तरीय उद्यमी मेला सह प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। मधुबनी जिला स्तरीय उद्यमी मेला सह प्रदर्शनी का उद्घाटन विशेष सचिव उद्योग विभाग बिहार सरकार दिलीप कुमार एवं उप विकास आयुक्त विशाल राज के द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस अवसर पर उपस्थित उद्यमियों को संबोधित करते हुए विशेष सचिव ने कहा कि उद्योग विभाग बिहार सरकार की यह कोशिश है कि प्रदेश में अधिक से अधिक लोग स्वराज की दिशा में आगे बढ़े। उन्होंने कहा कि जहां नौकरियों की अपनी सीमा है वहीं उद्यम का आकाश अनंत है, इसलिए युवाओं को स्वरोजगार की दिशा में पहल करनी चाहिए। इस कार्य में जिला उद्योग केंद्र से संपर्क स्थापित कर उद्योग विभाग की तमाम योजनाओं की जानकारी ले सकते हैं। इतना ही नहीं, बैंकों से बड़े अनुदान के साथ ऋण भी आसानी से उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि जिस उद्यमी के पास इनोवेटिव आइडिया होंगे उनके उद्यम को प्रोत्साहित करने के लिए पर्याप्त सहायता मुहैया कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि माननीय उद्योग मंत्री श्री समीर कुमार महासेठ द्वारा उद्यमियों को सरल तरीके से अनुदान सहित ऋण उपलब्ध कराए जाने पर पूरा जोर है। इस कड़ी में जिला उद्योग केंद्र पूर्ण रूप से समर्पित है। उद्योग स्थापित करने के उद्देश्य से 50 लाख तक के ऋण उपलब्ध कराए जा रहे हैं। ऐसे में जिले को उद्योग से आच्छादित करने के लिए जिले के श्रमशील लोगों को आगे आना होगा। मौके पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए उप विकास आयुक्त ने कहा कि सरकार केवल दिशा और पर्याप्त सहायता ही दे सकती है। जिले को उद्यम का केंद्र बनाने की दिशा में जिले के उद्यमियों को कदम बढ़ाना होगा। महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र मधुबनी रमेश कुमार शर्मा ने कहा कि किसी उद्यमी को अपना खुद का उद्योग स्थापित करना है तो जिला उद्योग केंद्र द्वारा काउंसलिंग के साथ साथ सभी प्रकार के कागजात को तैयार करवाने में पूर्ण सहयोग भी दिया जाता है। अतः कोई भी उद्यमी जिला उद्योग केंद्र से संपर्क कर सरकार की योजनाओं का लाभ उठाए। मौके पर अर्वाचीन मिथिला कलास जीविका समूह सीके कलाकृति लाठी उद्योग स्वेरा मशरूम खादी बुनकर अगरबत्ती नूडल्स आदि के स्टॉल का बारी बारी निरीक्षण भी किया गया। PNP न्यूज़ के लिए संवाददाता राजीव कुमार झा की रिपोर्ट। द्वारा जो यह त्रिदिवसीय कार्यक्रम की शुरुआत की जा रही है, इसका मुख्य उद्देश्य मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगा कि उद्योग विभाग की ओर से हम लोग चाहते हैं कि प्रदेश में ज़्यादा से ज़्यादा लोग उद्योग लगाने के लिए आगे आए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रेरित हों कि स्वरोजगार के माध्यम से हम जीवन में काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं, जीवन में अपना कल्याण कर सकते हैं और अपने साथ साथ अपने आसपास के लोगों को भी रोजगार प्रदान कर सकते हैं।